नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि चांद पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग थे, लेकिन आप में से कितने लोगों को पता है कि चांद पर कदम रखने वाले आखिरी अंतरिक्ष यात्री कौन थे? चांद पर पैरों के निशान छोड़ने वाले आखिरी अंतरिक्ष यात्री यूजिन सैरनन थे। अपोलो 17 मिशन के तहत चांद पर जाने वाले वो 11वें अंतरिक्ष यात्री थे। तो इन्फॉर्मेशन की आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चांद पर जाने वाले अंतरिक्षी मिशनों से जुड़ी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव बातों के बारे में। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। नंबर एक, आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, पर चांद की सतह पर कदम रखने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री बज ऑल्ड्रिन बताते हैं कि उनके अंतरिक्ष यान ईगल के अंदर टॉयलेट की व्यवस्था न होने के कारण जब वो चांद की सतह पर उतरे तो उन्होंने पैंट में ही पेशाब कर दिया था। चांद पर ऐसा करने वाले वो पहले इंसान थे। नंबर दो, जब नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन चांद पर उतरे तो उन्होंने सबसे पहले जो खाना खाया वो था बेकन। नंबर तीन, चांद पर कदम रखने वाले तीसरे व्यक्ति पीट कॉनराड थे। नंबर चार, अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्रियों ने जो अमेरिकी झंडा चांद की सतह पर गाड़ा था वो कुछ ही देर में गिर गया था। नंबर पांच, चांद पर जाने वाले सबसे पहले अंतरिक्षयान सैटर्न 5 का वजन 2800 टन था और इसने लॉन्च के समय 35.5 न्यूटन मीटर बल पैदा किया था। नंबर छह, नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन ने 43 टन वजन चांद पर ही छोड़ दिया था, जिसमें 100 से ज्यादा वस्तुएं थी। नंबर सात, चांद की सतह से वापस आते वक्त अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस सूट पर चांद की मिट्टी लगी हुई थी। अंतरिक्ष यात्री बताते हैं कि उस मिट्टी में से गन पाउडर जैसी स्मेल आ रही थी, जैसे किसी आतिशबाजी के बाद आती है। नंबर आठ, अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद तक जाने और वापस आने के दौरान लगभग 10 लाख मील की दूरी तय की थी। नंबर 9, नासा ने चांद पर जाने वाले मिशनों के कार्यों में महिलाओं को काफी अहमियत दी थी। चांद पर सबसे पहले जाने वाले अपोलो 11 का रास्ता भी एक महिला ने ही तय किया था। कैथरीन जॉन्स ने चांद तक के रास्ते का खाका खींचने में नासा की काफी मदद की थी। नंबर 10, 28 वर्षीय महिला जॉन मॉर्गन को मिशन लॉन्च के दौरान उपकरण नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई थी। वो इकलौती ऐसी महिला थी जिन्हें नासा के फायरिंग रूम में जाने की अनुमति मिली थी। नंबर 11, अपोलो मिशन को कामयाब बनाने में एक अन्य महिला ने भी अहम भूमिका निभाई थी। उनका नाम था मार्गरेट हैमिल्टन। उन्होंने नासा के अंतरिक्षी मिशनों के लिए ऑनबोर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था। नंबर 12, जब अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट रहे थे तब प्रशांत महासागर में उतरने से एक घंटे पहले सबको लगा कि अब वो सुरक्षित नहीं लौट पाएंगे। खतरा इतना ज्यादा था कि राष्ट्रपति निक्सन ने उनकी मृत्यु से संबंधित स्पीच पहले ही तैयार कर ली थी। नंबर 13, चांद पर से वापस आने के बाद अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्रियों को भी कस्टम विभाग ने एक फॉर्म भरवाया जिसमें लिखा था कि वह चांद से मिट्टी और धूल लाए हैं। नंबर 14, अपोलो 11 मिशन में करीब 4 लाख लोगों की टीम थी, जिसमें मिशन कंट्रोलर, ठेकेदार, कैटरर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, नर्सिस, डॉक्टर आदि शामिल थे। नंबर 15, अब तक अपोलो के कुल 11 मिशनों में 33 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया, जिनमें से 27 चांद तक पहुंचे, 24 ने चांद का चक्कर लगाया और केवल 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने ही चांद की सतह पर कदम रखा। नंबर 16, नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन चांद की सतह पर 250 मीटर चले थे। नंबर 17, जब नील आर्मस्ट्रांग ने अपना पहला कदम चांद पर रखा तब एक टीवी कैमरे ने इस पूरे दृश्य को रिकॉर्ड किया था, जिसे पृथ्वी पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा था। नंबर 18, अपोलो 11 के दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर ही अपनी पूरी नींद ली थी। वो दोनों ईगल यान के अंदर दरवाजा बंद करके सोए थे। नंबर 19, अपोलो के तमाम मिशनों पर आज के हिसाब से देखें तो 100 अरब डॉलर का खर्च आया था। नंबर 20, आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन चांद की सतह से न सिर्फ धूल और कुछ और चीजें लेकर आए बल्कि ऐतिहासिक मिशन की याद के तौर पर बहुत कुछ छोड़कर भी आए थे।
अपने पैरों के ढेर सारे निशान चांद पर छोड़ने के अलावा दोनों ने मॉड्यूल के डिसेंट स्टेज को भी वहीं छोड़ दिया था। इसके अलावा चांद पर उतरने में नाकाम रहे अपोलो 1 मिशन की कुछ निशानियां भी चांद पर छोड़ दी गई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।